गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और फाइनली अब मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मुझे ट्रिमिंग करा लेनी चाहिए। तो भाई कमेंट करके बताना कैसी लग रही। मुझे ना ज़्यादा बड़ी पसंद नहीं है, इसलिए मैं छोटी करा लेता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा हूँ भाई। बड़ी दाढ़ी अच्छी कि छोटी अच्छी है? ये वीडियो है ट्रिम कराने से पहले का। अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ मार्केट शहर पर चाय पीने। आज मैंने घर पर चाय नहीं पी, तो आज मैं बाहर जाके चाय पीऊँगा। लाइक भैया को बुला लिया हूँ, साथ में जाएंगे। जहाँ हम रेगुलर जाते हैं चाय पीने, मतलब कभी भी मन करता है हम वहीं जाते हैं चाय पीने। भाई लाइट भैया बुलेट लेके आए देख रहे हो भाई, नई बुलेट लॉन्च हुई है। लाइट भैया अभी कॉल करके बोलते हैं चाय पीने चलते हैं, मैं बुलेट लेके आता हूँ। देख रहे हो कितनी बढ़िया बुलेट लेके आए हैं। मैं इस स्कूटी में आपको हैंडल दिखाता हूँ देख रहे हो पूरा हैंडल दे रहा है ऐसा सीधा करिए, सीधा 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 नहीं 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 वो चक्का सीधा करो और आंदो और थोड़ा और इसका वो बैंड हो गया फार बन जाएगा खोल के सीधा करेंगे। तो आपने देख लिया कितना अलाइनमेंट डिस्टर्ब है इसका। भाई मैकेनिक भी मना कर दिया, बोलता हम तो बना ही नहीं पाएंगे, बाहर भेजना पड़ेगा। हाँ भाई चाय लेके पी लेना, बस वो नहीं है। चाय लेके स्पेसिफिक जगह में बैठ के पीने में जो मज़ा है ना वो ऐसे पीने में नहीं है भाई। मीड भाई मल्टी मिलियनर ललित दाहिया मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मिलियन डॉलर की बर्थ है इनकी। पागल हो गया क्या भाई इतने डाउन टू अर्थ है, मेरे को बोलेंगे भाई नहीं है मेरे पास ऐसा कुछ। आप लोग को देख के लगेगा नहीं भाई? देख के लग रहा ये आदमी करोड़पति अरबपति है, गजब बेइज्जती है। तो आज भाई मेरे फ्रेंड अतुल को बर्थडे जो भी बोलो। हाँ लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो सॉरी भाई अतुल, मैं तुझे किसी और व्लॉग में कवर करूँगा। तो जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच है आज और मैं तो ज़रूर देखूँगा, आप भी देखिएगा। बाकी रिजल्ट तो सबको पता है क्या होने वाला है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने, मैंने ट्रिमिंग कराया, पूरे बाल बाल हो रखे हैं। तो मैंने भाई नहा के आ गया हूँ, पंगा कर देते हैं बंद और चलते हैं अब दुकान की ओर। भाई दुकान में भी समझ देना ज़रूरी है ना यार, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता आदमी, उसी से तो चल रहा है जो भी है। तो भाई मिलता हूँ आपसे दुकान से आने के बाद। बचपन में ना मैंने एक दोस्त बनाया था, अब वो पागल हो गया है, वो गांजा पीने लगा है और गांजे ने ना उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। हमारी एज का ही है, रोड पे घूमता रहता है। देखिए अभी निकलेगा सामने से, मैं दिखाता हूँ आपको। वो लड़का ना फिर निकला नहीं रोड से, मैं उसकी स्टोरी आपको बाद में बताऊँगा। कभी जब वो निकलेगा रोड से तब आपको दिखाऊंगा, सारी डिटेल बताऊंगी भाई वो कैसे कहाँ से क्यों पागल हो गया। एक मैसेज ये जान लो भाई, नशा बिल्कुल मत किया करो यार, अगर कोई करता है तो है ना, बहुत बेकार चीज़ है, ज़िंदगी बर्बाद कर देती है अच्छे अच्छों की। और हाँ चलो छोड़ो, अभी मैं दुकान से आ गया हूँ और मुझे अभी थोड़ा सा काम है। मेरी स्कूटी थोड़ा सा ख़राब हो गई है, उसकी हेडलाइट वो चेंज कराना है, तो मैं पैसे ले लूँ उसके बाद चलता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, येल्लो वाली है उसको वाइट वाली कराना है। राजकुमार को थोड़ी काम आ गया, उसकी गाड़ी भी ख़राब है, अपनी गाड़ी का टायर लेने आया है। ये देखो रखा उसकी गाड़ी का टायर, ये पैसे देगा कितना? नहीं 500 की है, 10 की है भाई। किसी के पास 40 चेंज हो दे दो, मैं बाद में दे दूँगा। मैं अभी घर से लेके आऊँ तो 500 की नोट ले आऊँ, फिर वहाँ गाड़ी में लग गया ना, फिर ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। डिजिटल इंडिया भाई, पहुँच गए भाई, इतना दूर लेके आया ना राजकुमार गाड़ी बनवाने के लिए, वो भी दुकान बंद है, खुली हुई है। हम जहाँ गाड़ी बनवाने आए थे ना, तो जो गाड़ी बनाएगा ना वो हमारा दोस्त है, तो हम बोले थे कि तुम उसका अंदर का एलईडी बल्ब लेके आ जाना। जब उसकी दुकान पहुँच के तो बोलता है भाई मैं लाना भूल गया, अभी वो हमारी गाड़ी लेके गया बल्ब लेने। पर ये राजकुमार की गाड़ी खड़ी है, पीछे वाला टायर अब राजकुमार खुद लगाएगा। बोल रहा मैं थोड़ा बहुत काम सीख गया हूँ। पूरा लगा लोगे? हाँ पूरा टायर। आदमी के पास गर्लफ्रेंड आ जाती है ना, वो कोई काम ठीक से नहीं कर रहा। ये देखो हंस रहा है, चक्का नहीं लगा पा रहा एक गाड़ी का, आधे घंटे से लगा रहा, आधे घंटे से खड़ा हूँ मैं। गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, बात करते करते यहाँ वहाँ जो नट दूसरे में लगाना हो तो दूसरे में लगा देता, तो गड़बड़ हो जाता सब। इसलिए भाई पहले करियर फिर गर्लफ्रेंड। तो ये भाई अपना वाइट LED हेडलैम्प जो कि अपन लगाएंगे इसमें, अभी इसमें येलो वाला हैलोजन लगा हुआ है, तो खोल के अपन इसको रिप्लेस कर देंगे। और वैसे इमरजेंसी के लिए ना मैंने ये LED लगवा रखी थी, ये भी बढ़िया काम करती है, लेकिन इसके लग जाने के बाद ना फिर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें वहाँ ना 3.5 घंटे लग गए,
बारिश भी बहुत तेज चालू हो गई तो हम वहीं फंसे रह गए। और इंटरेस्टिंग बात ये, हमारा काम भी नहीं हो पाया क्योंकि हम जो एलईडी लैंप लेके गए थे ना, वो हमारी स्कूटी के साथ कंपेटेबल ही नहीं था। मतलब हमारी स्कूटी के लिए नहीं बना हुआ था तो वो लग ही नहीं पा रहा था। मैकेनिक बोला था अगर मैं इसे ज़बरदस्ती लगा दूंगा तो ये 2-3 यूज़ के बाद फ्यूज़ हो जाएगी, अब आप डिसाइड कर लो लगवाना है कि नहीं। तो मैंने मना कर दिया, एक बार और ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे वाइट एलईडी हेडलैम्प ही चाहिए, येलो वाले से काम नहीं चलता है, रात में बहुत अंधेरा रहता है तो भाई कुछ दिखता ही नहीं। मैंने अलग से एलईडी लगवा रखी है लेकिन हाँ भाई हेडलैम्प की बात ही अलग होती। तो अपन एक बार दूसरे मैकेनिक से ट्राई करेंगे उसे लगवाने के लिए, लग जाती तो अच्छी बात है। और बात रही अतुल के बर्थडे की, तो बारिश के कारण वो पोस्टपोन्ड हो गया, उसके बर्थडे की पार्टी, बर्थडे तो आज ही है, पार्टी पोस्टपोन्ड हो गई, मे बी कल होगी, तो उसका ब्लॉग मैं अलग से डाल दूंगा। ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। 300 सब्सक्राइबर के अपन बहुत क्लोज हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा वरना शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।